हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए जल्दी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं बाय टाइपिंग एनीथिंग ऑन द कमेंट बॉक्स। गुड आफ्टरनून, लेट मी सी कितने लोग लाइव जुड़े हैं। और अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठे, जो चीज़ इम्पोर्टेंट लगे जरूर से नोट डाउन करें और आपको ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, है ना। फिर आप ये क्वेश्चंस को वापस से विजिट कर सकते हैं, खुद भी कनेक्ट होना है। देखो आज का टाइम चेंज हुआ है, वैसे ये क्लासेस 5 PM होनी थी, ठीक है, ड्यू टू द क्लैश इन द शेड्यूल इसलिए ये क्लास आज थोड़ी जल्दी शुरू हुई है, नहीं तो रेगुलर डेज पे तो 5 PM ही होगी, ठीक है। सो जो भी फ्रेंड्स आपके वेट कर रहे थे इस सेशन का, प्लीज डू हेल्प देम कनेक्ट एज वेल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अमित गुड आफ्टरनून। चलिए और कौन है, और कौन जुड़ा है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून सौरव, हिमानी हाय वेलकम बेटा। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू कि अपने फ्रेंड्स को भी कनेक्ट कराए ताकि और मजा आए। आई वॉन्ट आंसर्स, ठीक है, मतलब लगातार बस आंसर्स की बारिश होनी चाहिए, है ना, मजा आएगा। आई एम गुड हिमानी, थैंक यू सो मच, आई होप आप भी अच्छे हैं। एक कुमार गुड आफ्टरनून, अंबर गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ठीक है चलिए शुरू करते हैं सेशन। चलो फिर ये वाला पहला क्वेश्चन देखिए। ओके, तो ये ऑप्शंस नहीं दिख रहा होगा आपको, लेट मी इस ऑप्शन को मैं ऊपर ले आता हूँ। ओके लेट मी सी, अगर ये ठीक है। वैष्णवी गुड आफ्टरनून, वेलकम अगेन। यस वैष्णवी, ये क्लास 5 PM रहती है, पर 5 PM मेरे शेड्यूल के साथ क्लैश कर रही थी तो इसलिए आज 2 PM हुई है, ठीक है, अदरवाइज आपकी रोज 5 PM ही होगी, डोंट वरी। चलो आंसर क्या होगा मुझे आंसर बताइए, भले आपका आंसर आ रहा हो नहीं आ रहा हो कोई बात नहीं, बस एक बार गेस करिए, है ना, कॉमन सेंस से गेस करिए, तभी मैं आपको सिखा सकता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एन एनालिसिस ऑफ डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या स्टडी किया जा रहा है, डीएनए प्रोटीन का इंटरेक्शन, यूजिंग वॉज कैरिड आउट यूजिंग ऑल डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, जितने भी डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, जो जो प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड करते हैं उन सारे प्रोटीन्स को, और वो कहाँ से बाइंड कर रहे हैं उस वाले रीजन का स्पेसिफिकली सिक्वेंस को स्टडी किया गया है, यहाँ पे वो सारे सीक्वेंसेस प्रोटीन डेटा बैंक से उठाए गए हैं, और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कोई 4 अमीनो एसिड रेसिड्यूज का, जिनको आप पी क्यू आर और एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो इंटरेक्शन होगा ये तो ट्रांजिएंट टाइप का होता है, मतलब कि परमानेंट तो होता नहीं है, है ना, यानी प्रोटीन आके जुड़ सकता है और फिर डिसोशिएट भी हो सकता है, सो इट्स अ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोटीन एंड द डीएनए बैकबोन। तो इनमें से कौन सी बात सही होगी, मतलब पी क्यू आर एस को आपको मैप करना है विद द अप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड, ठीक है, और यहाँ पे दिया है फ्रीक्वेंसी। चलिए जल्दी से आंसर बताइए।
सुनीता हेलो, अब्बास आई एम गुड बेटा, आई होप यू आर ऑल्सो गुड. चलो क्या होगा आंसर इसका? ओके साक्षी को तो ए लगता है. और देखो जरा खुद सोचो, यानी देखो कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हो सकता है. सिर्फ यहाँ पे प्रोटीन डेटा बैंक लिख दिया है, उससे कुछ नहीं होता. हमें देखना है पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि किस तरीके के अमाइनो एसिड शुड इंटरैक्ट विद द डीएनए. और डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, इसका मतलब यहाँ पे शुगर फॉस्फेट की बैकबोन रही होगी. और अगर शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है तो इसका मतलब यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज होगा. इस तरीके से नेट नेगेटिव चार्ज होगा डीएनए के ऊपर. ऑलराइट, तो अब अगर नेगेटिव चार्ज है तो कोई जो नेगेटिव चार्ज वाला यानी जो अमाइनो एसिड ऐसा हो जिसके साइड चेन में कार्बोक्सिल ग्रुप हो यानी एसिडिक ग्रुप हो, वो तो हो नहीं सकते, क्योंकि एसिडिक ग्रुप वाले अमाइनो एसिड्स दे हैव नेगेटिव चार्ज एट पीएच 7, जबकि जो बेसिक अमाइनो एसिड यानी बेसिक साइड चेन वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है पीएच 7 पे, जो कि फिजियोलॉजिकल पीएच भी होता है. तो इसका मतलब जिसकी लीस्ट प्रोबेबिलिटी होगी या लीस्ट फ्रिक्वेंसी होगी होने की, वो कौन सी होगी? इट विल बी यहाँ पे कोई एसिडिक. और एसिडिक अमाइनो एसिड कौन सा है? आर्जिनिन लाइसिन तो डेफिनेटली नहीं है, है ना? तो यानी एस पोजिशन पे कौन आ सकता है? इट कुड बी ग्लूटामेट. तो पहला ऑप्शन लग रहा है. क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड साक्षी, सुनीता, देन नेहा, ऐश्वर्या, बहुत अच्छे बेटा. तो अब्बास, सौरभ, ये ऑब्जर्व करना था, ठीक है? ग्राफ देखो, जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन आए, ग्राफिकल क्वेश्चन में देखिए कि आपसे एक्स एक्सिस पे क्या दिया है और वाई एक्सिस पे क्या दिया है. फ्रिक्वेंसी का मतलब हो गया ऑकरेंस, कितनी बार कोई चीज़ ऑकर हो रही है. तो देखिए जरा, ये जो एस वाला अमाइनो एसिड है सबसे लीस्ट ऑकरेंस है, ऑलमोस्ट नियर टू ज़ीरो. फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे कौन हो सकता है? जो कि अनचार्ज्ड हो, यानी नेगेटिव तो नेगेटिव को रिपेल करेगा, चलो ये बात समझ में आती है. पर अगर किसी अमाइनो एसिड पे कोई चार्ज नहीं है, साइड चेन में कोई चार्ज नहीं आएगा 7 पीएच पे, तो फिर उसका क्या काम? हमें तो स्टेबल इंटरेक्शन चाहिए, यानी वहाँ पे जाके प्रोटीन थोड़ी देर के लिए बाइंड तो कर सके, है ना? तो अनचार्ज वाला आखिरकार बाइंड करेगा कैसे? सो यहाँ पे क्या हो सकता है? ग्लूटामीन, ठीक है, ग्लूटामीन. चलो ये बात भी समझ में आती है. फिर जो सबसे ज़्यादा होगा, इट वुड बी अ बेसिक अमाइनो एसिड. और आर्जिनिन जो है, इट इज़ द मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है? तो यहाँ पे आर्जिनिन आ जाएगा और यहाँ पे लाइसिन आ सकता है, यानी लाइसिन और आर्जिनिन इनमें से कोई भी एक हो सकता है. और इसी तरीके से मोस्ट एसिडिक अमाइनो एसिड अगर आप जानना चाहें तो एस्पार्टेट है, ठीक है? तो आंसर इज ऑप्शन ए. देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इसमें भी दिमाग लगाना है, है ना? लिखा हुआ होगा कि आपको कॉन्सेंसस सीक्वेंस बताना है, और आपको शायद पता भी ना हो कॉन्सेंसस सीक्वेंस क्या होता है, पर फिर भी एक बार ट्राई करिए. क्या आपको इसे देख के कुछ आंसर लगता है? ये क्वेश्चन आपका गेट में आ चुका है, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चंस डीबीटी में भी आने की काफ़ी संभावना है. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, चलो मान लो कि हमारे पास समय कम है, हमने शायद बायोइन्फॉर्मेटिक्स की इतनी अच्छे से तैयारी नहीं की हो, फिर भी क्या हम कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस से उठा सकते हैं? ठीक है, मैं आपसे सारे क्वेश्चन उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा भी जहाँ से हाईली लाइकली है कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है? पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप आंसर करें. चलो इसका आंसर बताओ बेटा. ओके साना को बी लगता है, नेहा को बी लगता है, देन वेरी गुड, बहुत अच्छे. मुझे नहीं पता कि इन्होंने सही आंसर दिया है, पर एटलीस्ट इन्होंने हिम्मत की है, बहुत अच्छे बेटा. ओके द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्स बाइंड्स टू 10 बेस पेयर डीएनए स्ट्रेच, ठीक है? कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्स है, वो क्या करता है?
किसी डीएनए स्ट्रेच के ऊपर जो कि 10 बेस पेयर लॉन्ग है वहाँ पे जाके बाइंड करता है। इन द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेजम एक्स वॉज फाउंड टू बाइंड एट 20 डिस्टिंक्ट साइट। तो देखा गया कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्स है ये पूरे जीनोम में कुछ 20 साइट्स हैं वहाँ पे जाके ये बाइंड करता है, और ये कितना लॉन्ग है, इट इज़ 10 बेस पेयर लॉन्ग। ठीक है, एंड एनालिसिस ऑफ दीज 20 बाइंडिंग साइट्स शोड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ATGC बेसिस है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर एक जो 20 साइट्स हैं, हर 20 साइट्स पे कौन सा अमीनो एसिड यानी सॉरी कौन सा न्यूक्लियोटाइड कितनी बार पाया गया, किस पोजीशन पे यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपको बताना है व्हाट इज द कॉन्सेंसस सीक्वेंस ऑफ द बाइंडिंग साइट। देखो कॉन्सेंसस सीक्वेंस का मतलब होता है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्रोटीन की फैमिली हो, उसके अंदर वेरियस प्रोटीन मेंबर्स होंगे। नाउ अगर हम उन प्रोटीन मेंबर्स को अलाइन कर दें साथ साथ, और उसके बाद अगर हम उस प्रोटीन फैमिली को डिफाइन करना चाहते हो बाय अ सिंगल सीक्वेंस, है ना, पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल सीक्वेंस की डेफिनेशन चाहिए, तो उसे कहा जाता है कॉन्सेंसस सीक्वेंस। ये तो मैंने प्रोटीन के टर्म्स में बात की, सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट द जीन्स ऑल्सो, जीन फैमिलीज भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि ये एक कॉमन रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे होता है ना मीन मीडियन मोड, वो एक सेंट्रल वैल्यू होती है जो पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट करती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंसस सीक्वेंस। अगर यहाँ पे कंजर्व कहा जाता, कंजर्व का मतलब होता है किसी भी पार्टिकुलर पोजीशन पे, लेट्स से पोजीशन नंबर 3 पे क्या रेसिड्यू कंजर्वड है, मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिजर्वड है कि नहीं अक्रॉस वेरियस प्रोटीन्स, उसे कंजर्व्ड कहा जाता है। कॉन्सेंसस का मतलब जो शेयर किया जाता, मतलब कि विच इज शेयर्ड बाय मोस्ट कॉमनली शेयर्ड रेसिड्यू, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो देखिए इसके लिए इन जनरल जो कही जाती है एक थम, अगर आप थम रूल मान के चलें इन जनरल, तो ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकुलर अमाइनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड किसी पार्टिकुलर पोजिशन के ऊपर अगर 66% से ज़्यादा बार ऑकर होता है तो हम उसे वहाँ पे असाइन कर देते हैं। ठीक है, हेलो सौम्यजीत, तो उसे हम वहाँ पे असाइन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पे 11 टाइम्स ए आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए को। इसी तरीके से बी पे देखिए सिर्फ और सिर्फ जी ऑकरेंस हो रही है, जी की ऑकरेंस हो रही है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा जी, सेकेंड पोजिशन पे जी आ जाएगा। फिर थर्ड पोजिशन पे देखिए 19 टाइम्स आउट ऑफ 20 इट इज टी, तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद फोर्थ पोजिशन पे कौन होगा, सी होगा, तो यहाँ पे देखिए मेजरली क्या हो रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आएंगे तो सिक्स पोजिशन पे आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंटली हाई नंबर है 11, और कहाँ 6 यानी कि 2, 3, 4 ये सब है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। और यहाँ पे हम नहीं कह सकते, यहाँ पे सब में करीबन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम ये नहीं कह सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेयर एन मीन्स एनी ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, हियर विल बी टी अगेन, एंड हियर देन अगेन विल बी जी, एंड हियर इट विल बी सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए जी टी सी, कहाँ पे ऐसा सीक्वेंस है, इट इज़ इन द ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। गुड आफ्टरनून रोली, वेलकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां पे बात कर रहा है इनमें से सबसे सुटेबल सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स कौन सा होगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर आप इसे आंसर करें। देखिए अगर आपके पास कोई ऐसे सीक्वेंस हो, मान लीजिए आपके पास दो स्पीशीज हैं, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी, जो कि किसी रिसेंटली कोई लास्ट कॉमन एंसेस्टर से है उससे डाइवर्ज हुए हैं, मान लीजिए इस तरीके से ये डाइवर्ज हुए हैं, और बहुत ही रिसेंट टाइम्स में, और मान लीजिए यहाँ पे कोई जीन एक्स है, ये जीन एक्स यहाँ पे भी है, ये जीन एक्स यहाँ पे भी है, और ये यहाँ पे भी, क्योंकि हो सकता है इसका कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हो, तो ये जीन आपको यहाँ पे भी दिख रही है, हो सकता है कि इसका सेम फंक्शन हो या फिर थोड़ा सा ऑल्टर भी हो गया हो, मे बी।
नाउ अब देखिए, अब क्योंकि ये कॉमन लीनिएज शेयर कर रहे हैं या एंसिस्ट्री शेयर कर रहे हैं, तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, और समय भी ज़्यादा नहीं बीता है। इसका मतलब आपको डिफरेंस मीन्स देर विल बी नो मच सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अगर मैं एक अमाइन मतलब एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस यानी जो जीन आपकी जीन एक्स से जो प्रोटीन एक्स बना होगा, ठीक है, स्पीशीज ए का स्पीशीज बी के ऊपर अलाइन करने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे अधिकतर पोजिशंस पे आइडेंटिकल रेसिड्यूज आ रहे हैं। आइडेंटिकल का मतलब अगर एलानाइन है तो उसके नीचे एलानाइन आ रहा है, अगर ग्लाइसिन है तो फिर उसके नीचे ग्लाइसिन आ रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे अधिकतर जगह इस तरीके से आइडेंटिकल रेसिड्यूज आ रहे होंगे। नाउ अगर हमने एक लीनियंट सब्स्टिट्यूशन मैट्रिसेस यूज कर लिया था प्रोटीन के केस में, यानी कि जो अलाइनमेंट स्कोर जनरेट करते हैं जिस चार्ट को रेफर करके हम अलाइनमेंट स्कोर जनरेट करवा रहे होंगे, अगर हमने लीनियंट वाला ले लिया होता, मतलब कि अगर मान लीजिए सिमिलर टाइप का, मतलब अगर मान लीजिए वैलिन था और वैलिन के नीचे आइसोल्यूसिन आ गया, तो भी हमने उसे अच्छा स्कोर दे दिया, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसा लगेगा कि ये जो स्पीशीज ए और बी का ये जो प्रोटीन एक्स का सिक्वेंस है दोनों एक ही है, हमें डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा, हम ये पता ही लगा पाएंगे कि समय में ये कब डाइवर्ज हुए। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हम स्ट्रिक्ट सब्स्टिट्यूशन मैट्रिसेस को यूज करें, जहाँ पे थोड़ा सा भी मिसमैच हो या अगर सब्स्टिट्यूशन हो तो फिर वहाँ पे स्कोर उसी हिसाब से मतलब स्ट्रिक्टली स्कोरिंग की जाए, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, है ना। मैं अभी आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म्स में नहीं बता रहा हूँ। नाउ अगर मान लीजिए मेरे पास दो डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेजम्स हों, जैसे कि ह्यूमन मान लीजिए और बैक्टीरिया मान लीजिए, और दोनों के अंदर मान लीजिए कोई प्रोटीन एक्स पाया जाता है, मैंने दोनों के अंदर का प्रोटीन एक्स को कंपेयर करवाया, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन। अब क्योंकि हम लोग कई बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डाइवर्ज हुए हैं, इसका मतलब काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूशंस तो डेफिनेटली आए होंगे, वी माइट हैव इवॉल्व अ लॉट। ऐसे में अगर आपने स्ट्रिक्ट मैट्रिक्स का यूज़ किया जो कि स्कोर बहुत ही स्ट्रिक्टली असाइन करता है ना, मतलब कि बहुत ही कम स्कोर देता है, तो ऐसे में आप शायद जो लीनेज होती भी इतनी हिस्टोरिकल लीनेज जो होती वो भी शायद पहचान नहीं पाते। तो इसके लिए ज़रूरी है जब भी आप डिस्टेंटली रिलेटेड से डील करें, तो जब भी आप डिस्टेंटली रिलेटेड सिक्वेंस का कंपेरिजन करेंगे तो आप यूज़ करेंगे, यू विल गो फॉर लीनियंट वन और लीनियंट सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। सॉरी, अगर आप क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस को आपस में कंपेयर करवा रहे हैं, क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस का आपस में कंपेरिजन करवा रहे हैं, तो आप यूज करेंगे आ स्ट्रिक्ट मैट्रिक्स, ठीक है। तो पैम के केस में, एक्सेप्टेड पॉइंट म्यूटेशन के केस में, जितना बड़ा नंबर उतना लीनियंट, ठीक है, जितना बड़ा नंबर होगा उतना लीनियंट, जैसे कि पैम 250 हो गया, ये लीनियंट होगा, जबकि पैम 1 उतना ही स्ट्रिक्ट होगा, सबसे स्ट्रिक्ट होगा, यानी कि वो अलाउ करेगा कि पर 100 रेसिड्यूज सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बाकी जगह आइडेंटिकल रेसिड्यूज आने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से इसका उल्टा होता है ब्लॉसम के अंदर, ब्लॉसम के अंदर जितनी बड़ी वैल्यू यानी जितनी छोटी वैल्यू उतनी लीनियंट, ठीक है, जबकि स्ट्रिक्ट मैट्रिक्स में क्या होगा, पैम का नंबर जितना छोटा उतना स्ट्रिक्ट, जबकि ब्लॉसम में जितना बड़ा नंबर होगा उतना स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। इस बेसिस पे आइडेंटिफाई करें, आंसर करने की कोशिश करें। तो इन अ सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स टू अलाइन क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस, आपको क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस को कंपेरिजन करवाना है, तो फिर लेट मी मूव आप ताकि नोट कर सकें क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। सो पैम 250 और ब्लॉसम 80, 250 तो बहुत हाई हो गया, क्लोजली रिलेटेड है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। देन पैम 40, ऑफ कोर्स ये तो चलो स्ट्रिक्ट हो गया, देन ब्लॉसम 80 ये भी स्ट्रिक्ट लग रहा है, ठीक है, इसे साइड में रखते हैं। देन पैम 120 ये फिर भी लीनियंट है, 40 के मुकाबले तो लीनियंट है, और ब्लॉसम 40 ये भी लीनियंट लग रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। देन पैम 250 ऑफ कोर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ठीक है एवरीवन, ठीक है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, हम कौन सा मेथड यूज करते हैं फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर, प्रोटीन का थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने में फ्रॉम द नोन स्ट्रक्चर। मतलब कि हमें डेटा भी, हमारे पास कोई डेटा बेस हो सकता है जहाँ पे हमने पहले से ही कुछ स्ट्रक्चर्स को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रखा है और वहाँ पे सेव कर रखा है, और उनसे कंपेयर करवा के अगर हम स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा वो टूल है, क्या नाम होगा उसका, आपको बताना है। चलिए बताइए जल्दी से। ओके, सरिता को बी लगता है, और एनीवन एल्स? ठीक है मैं बताता हूं आपको, बी, सूरज को भी बी लगता है, क्या बात है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका स्ट्रक्चर प्रडिक्शन है, ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रडिक्शन, सो दिस प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रडिक्शन इट कुड बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक हो सकता है नॉलेज बेस्ड और एक हो सकता है ab initio मेथड। नॉलेज बेस्ड मेथड वो मेथड होते हैं जो कि प्रायर सबमिटेड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर पहले से ही जिनका कैन यू सी मी? कैन यू सी मी? ओके ओके, तो सॉरी, लाइट डिस्ट्रप्शन हुई थी इसलिए नेटवर्क कट गया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो व्हाट आई वाज टेलिंग वाज कि जो आपका 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन है, ठीक, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, ठीक है, इसको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है नॉलेज बेस्ड, वन इज नॉलेज बेस्ड मेथड एंड अदर वन इज ab initio मेथड, दूसरा है ab initio मेथड, ठीक है। अब देखिए नॉलेज बेस्ड मेथड के अंदर मतलब कि कोई डेटाबेस होगा जहां पे पहले से ही सबमिटेड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर्स है प्रोटीन के, वो सबमिटेड है। आप क्या करिए, आप सीक्वेंस करिए और उस सीक्वेंस को ऐसे क्वेरी यूज करिए अगेंस्ट दैट डेटाबेस, तो जिससे भी वो सीक्वेंस सिमिलैरिटी दिखाएगा, तो काफी हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि जो हमारे नए प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा वो मैच खाएगा जो भी नोन स्ट्रक्चर्स होंगे उससे, ठीक है। तो दीज आर नॉलेज बेस्ड मेथड। नॉलेज बेस्ड मेथड के अंदर आते हैं थ्री मेथड्स, नेमली पहला है कंपेरेटिव मॉडलिंग, जिसे आप होमोलॉजी मॉडलिंग भी कहते हैं, कंपेरेटिव मॉडलिंग और होमोलॉजी मॉडलिंग, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन का।
होमोलॉजी मॉडलिंग. नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन. सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन. और जो थर्ड मेथड होता है वो है फोल्ड रिकॉग्निशन. अगर मान लीजिए आपको डेटाबेस के अंदर कोई भी सिमिलर सीक्वेंस नहीं मिला आपके क्वेरी सीक्वेंस के लिए, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम सर्च करना शुरू करेंगे थोड़ा और डिस्टेंटली. मतलब कि क्या पता कोई डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंस मिल जाए, यानी कि जो पहले मतलब बहुत पहले डाइवर्ज हुआ हो ऐसा सीक्वेंस. और अब हम ऐसे कुछ सीक्वेंस, ऐसे कई सारे हमारे पास सीक्वेंसेस आएंगे और उन सब में से थोड़ा थोड़ा रेफरेंस लेते हुए अगर हम स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करें तो उसे कहा जाएगा फोल्ड रिकॉग्निशन मेथड. इसी को कहा जाता है, तो बेसिकली आपको नाम पता होना चाहिए बस. इसी मेथड को ऑल्सो कहा जाता है थ्रेडिंग. इसे थ्रेडिंग भी कहा जाता है. एब इनिशियो मेथड, इट इज काइंड ऑफ यू कैन से इट इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल मॉडलिंग. यहाँ पे ये थर्मोडाइनमिक्स को अपने पर्सपेक्टिव में रखता है, स्टेटिक क्लैशेस एंड डिफरेंट थिंग्स है ना, सॉल्वेशन एनर्जी एंड वेरियस अदर थिंग्स, उन सबको पर्सपेक्टिव में रखने के बाद एक कॉम्प्लेक्स मॉडल जनरेट करता है और उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करता है. कौन सा एटम थ्री डायमेंशनल स्पेस में कहाँ पे होगा ये प्रिडिक्शन करेगा, तो एब इनिशियो मेथड. फिलहाल एब इनिशियो मेथड अपने चाइल्डहुड स्टेज में है, ये अभी इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, अभी भी डेवलपमेंट फेज में है. बाकी इनमें से जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है कंपैरेटिव मॉडलिंग. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द मेथड यूज फॉर प्रेडिक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम नोन स्ट्रक्चर ऑफ वन और मोर रिलेटेड प्रोटीन इज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, बिल्कुल भी नहीं. होमोलॉजी मॉडलिंग, यस ऑफ कोर्स. फाइलोजेनिक, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप अमंग द स्पीशीज. ठीक है, ये हो नहीं सकता. देन डॉकिंग, डॉकिंग तो जब आप दो मॉलिक्यूल्स का आपस में कैसे इंट्रैक्शन होगा, कौन कौन सी साइट पे इंट्रैक्शन होगा वो स्टडी करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी. ओके दीक्षा, ठीक है, दीक्षा का क्वेश्चन आया है ब्लास्ट और इसको लेके पैम लोकल. ओके ठीक है, देखो बेटा जब हम सीक्वेंस को आपस में अलाइन कराते हैं ताकि हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स को स्टडी कर सकें, तो हम यूज़ कर सकते हैं कुछ एल्गोरिथम या प्रोग्राम, जैसे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम. ये जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम होता है ये आपको प्रॉमिस करता है कि ये बहुत अच्छा अलाइनमेंट देगा. ठीक है, ओवर द कंप्लीट स्ट्रेच ऑफ द सीक्वेंस या फिर हो सकता है पार्ट ऑफ द सीक्वेंस. तो अगर कंप्लीट लेंथ पे देगा तो इसे कहा जाता है ग्लोबल अलाइनमेंट. और ग्लोबल अलाइनमेंट का जो टूल है इसके अंदर या प्रोग्राम है उसका नाम है नीडलमैन वुंच एल्गोरिथम. नीडलमैन वुंच एल्गोरिथम, ठीक है. और वहीं पे लोकल अलाइनमेंट का टूल है या एल्गोरिथम है स्मिथ वाटरमैन. ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ऐसा कुछ है. पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम आपको बेस्ट अलाइनमेंट तो देगा, पर इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है. मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास डेटाबेस के अंदर बहुत सारे सीक्वेंसेस हुए तो एक ही कंपैरिजन करने में ये बहुत ज़्यादा समय और कंप्यूटर एनर्जी को लगा देगा. इसका मतलब अगर मल्टीपल यूजर्स हो तो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि सबको ज़्यादा वेटिंग टाइम होगा सबके लिए. तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए अक्रॉस द ग्लोब एक पार्टिकुलर डेटाबेस को कई सारे यूजर्स एक साथ हिट कर रहे हैं, तो सबकी जो रिक्वेस्ट है कम से कम समय में सर्व की जा सके, तो उसके लिए हम कोई अप्रॉक्सीमेट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो मेथड फास्ट होना चाहिए. तो ऐसे ही मेथड है जिसका नाम है जो अप्रॉक्सीमेट सीक्वेंस अलाइनमेंट करके देता है. बेस्ट तो नहीं पर हाँ अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी हद तक सही रहता है, तो वो है ब्लास्ट और फास्टा. ठीक है, ब्लास्ट और फास्टा. Now these BLAST and FASTA, these are local alignment tool. यानी स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम का रिप्लेसमेंट है. These are local alignment tools. ठीक है,
ऐसा कुछ है। बाकी बातें जैसे 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 क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, देखिए डायनेमिक या आप कह सकते, देखिए चाहे ब्लास्ट हो, फास्टा हो या डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, आपके ऊपर है कि आप कैसे चाहते हैं, मतलब आप क्या चेक करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपको पहले से पता हो कि ये डिस्टेंटली रिलेटेड सिक्वेंसेस हैं तो फिर आप उस तरीके का मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, अगर ये क्लोजली रिलेटेड है तो आप फिर दूसरे तरीके का मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यस ऑफ कोर्स इट यूजेस द स्कोर फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन मैट्रिसेस। थैंक यू दीक्षा, यू आर वेलकम बेटा। ए कुमार, आगे और थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ये तो आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं, है ना, जब आप वापस से विजिट करेंगे आपको वापस से दिख जाएगा, है ना। अभी कुछ और नया सीखते हैं। इनमें से कौन सा प्रोग्राम हम यूज करेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए? तो याद रखें, फाइलोजेनेटिक ट्री इज अबाउट बिल्डिंग द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स या लिविंग एंटिटीज। ठीक है, इवोल्यूशन रिलेशनशिप। अब यहाँ पे फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए आपके पास हो सकता है कैरेक्टर बेस्ड मेथड या ट्री बेस्ड मेथड या सॉरी डिस्टेंट बेस्ड मेथड। डिस्टेंट बेस्ड मेथड के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? UPGMA, नेबर जॉइनिंग मेथड, UPGMC, WPGMC, ये सारे। और कैरेक्टर बेस्ड मेथड के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? द मैक्सिमम पार्सिमोनी मेथड या मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड। पर कैरेक्टर बेस्ड मेथड दे सफर फ्रॉम द परफॉर्मेंस इशू। ठीक है, उनमें परफॉर्मेंस इशू होता है, इसलिए जो सबसे बेस्ट यानी कि जो जनरली यूज किया जाता है मेथड फॉर डूइंग द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस वो है नेबर जॉइनिंग मेथड। और जो नेबर जॉइनिंग मेथड है वो अनरूटेड ट्री देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिख देता हूँ, देखो। तो देयर कुड बी टू वेज, आइदर इट कुड बी बेस्ड ऑन डिस्टेंस मैट्रिक्स और कुड बी बेस्ड ऑन द इट कुड बी कैरेक्टर बेस्ड कुड बी कैरेक्टर बेस्ड। अब देखिए डिस्टेंस मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी UPGMA जो कि सबसे सिंपलेस्ट है। इट इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस। ये मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस पे बेस्ड है जो कि बहुत ही गलत अजम्पशन है। ये कहता है कि चाहे कोई भी लाइफ फॉर्म हो, सारी की सारी लाइफ फॉर्म इफ दे आर गिवन ए 10 ईयर्स टाइम तो उसके अंदर हर एक लाइफ फॉर्म के पास सेम प्रेशर होगा सिलेक्शन का। ठीक है, यानी कि जो रेट ऑफ म्यूटेशन होगा या इवोल्यूशन होगा वो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस कहती है। ये कहना चाहती है मतलब कि जो ह्यूमन के ऊपर सिलेक्शन प्रेशर लग रहा है वही एक कॉकरोच के ऊपर भी लग रहा होगा। जरा सोचिए कॉकरोच की लाइफस्टाइल और एक ह्यूमन की, या फिर हम एक टाइगर की ही बात कर लें, टाइगर जो कि टॉप प्रेडेटर है और कॉकरोच जो एक स्कैवेंजर है, तो क्या दोनों पे सेम सिलेक्टिव प्रेशर लग रहा होगा? और अगर नहीं लग रहा है तो क्या फिर म्यूटेशन का रेट क्या बराबर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं, UPGMA हो गया, इसी तरीके से UPGMC हो सकता है या फिर WPGMC हो सकता है। ठीक है, UPGMA, इसी तरीके से WPGMA, है ना, वेटेड पेयर ग्रुप अरिथमेटिक मीन मेथड, ऐसे ही कुछ करके, है ना। इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है नेबर जॉइनिंग मेथड से मिलती है अनरूटेड ट्री। एक और चीज़ आप जो नोट कर सकते हैं वो ये है कि जो UPGMA है, ठीक है, ये जो UPGMA है, यहाँ पे मैं WPGMA भी लिख देता हूँ, यानी ये सब कुछ एग्जांपल हैं आपके।
ठीक है। अब देखिए, ये जो यूपीजीए में है ये मॉलिकुलर क्लॉक हाइपोथेसिस फॉलो करता है। इसके अलावा यहाँ पे मिलता है आपको अल्ट्रा मेट्रिक ट्री। क्या मिलता है आपको? अल्ट्रा मेट्रिक ट्री। अल्ट्रा मेट्रिक ट्री का मतलब है यानी रूट से जो डिस्टेंस होगा वेरियस आपके स्पीशीज का, वो सारे के सारे बराबर होंगे, मतलब कि नीटली स्टैक्ड होंगे। अगर मान लीजिए ऐसा ट्री होगा ना, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे एक साथ स्टैक्ड है, यानी एक ही लाइन में है, चाहे स्पीशीज ए हो, चाहे स्पीशीज बी हो, चाहे स्पीशीज सी हो, स्पीशीज डी हो, या स्पीशीज कोई और हो। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ म्यूटेशन है वो कांस्टेंट है, तो यानी कि ये जो स्पीशीज है इन्हें यहाँ तक पहुँचने में सबको बराबर टाइम लगा है, यानी सब में बराबर से इक्वल रेट से म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, ये रूट है और रूट से जो सारी स्पीशीज है सबकी दूरी बराबर है, इसे कहा जाता है अल्ट्रा मेट्रिक ट्री। जब ऐसा ना हो, कुछ ऐसी ट्री मिले आपको, ठीक है, जब मान लीजिए इस तरीके से मिले, ठीक है, ऐसी कुछ, तो यहाँ पे आप इवोल्यूशन टाइम को भी कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे आप सब में सबको बराबर मान रहे हैं, जो कि गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये टॉपिक ही आप पहली बार पढ़ रहे हैं और इतने शॉर्ट समय में मैं आपको जितना कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। तो जो मैथ जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के नाम क्या 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 है जो फाइलोजेनेटिक ट्री में हम यूज करते हैं? वन इज द फाइलम, ठीक है, फाइलोजेनेटिक इंटरफेरेंस पैकेज। बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो नाम है उनको नोट कर लें, ज़्यादा थ्योरी समझने की कोशिश ना करें। कभी और हम आराम से बैठेंगे और बायो इन्फो डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल आपके लिए ज़रूरी है कि जो टर्म्स हैं उनका नाम नोट कर लें, उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, यानी अधिकतर क्वेश्चन में। चलिए फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन अभी स्किप करते हैं, इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन ये आ चुका है आपके DBT में, तो मैं इसे थोड़ा बताना चाहता हूँ। एक बार क्वेश्चन देखिए और कोशिश करिए इसे आंसर करने की। हाँ, क्लैडोग्राम और फाइलोग्राम में अंतर क्या है? फाइलोग्राम जहां पे हम एवोल्यूशन टाइम को कंसिडर नहीं करते हैं, सॉरी क्लैडोग्राम वो जहां पे हम इवोल्यूशन टाइम को कंसिडर नहीं करते हैं, फाइलोग्राम वो फाइलोजेनेटिक ट्री होती है जहाँ पे इवोल्यूशन टाइम को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ब्रांच लेंथ बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, गुड आफ्टरनून कविता, सुमित बेटा क्या नहीं क्लियर है? क्या नहीं क्लियर है बेटा? दिखाई नहीं दे रहा है क्या क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है आपको? ओके, तो यहां पे देखिए आप, दीक्षा बेटा तो अभी कौन सा एग्जाम आ गया है, हम तो सीख ही रहे हैं ना, सीखने के लिए इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलो अब देखो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है। फॉर अ होमोलॉजी सर्च प्रोग्राम जैसे कि ब्लास्ट, अगर हर कोई कर लेगा तो फिर हर कोई रैंक नहीं ले आएगा, हमें यही तो दूसरों से डिफर करना है ना। कोशिश करिए
आए तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी क्या दिक्कत है, खोने को तो कुछ है नहीं, है ना, कुछ नया ही सीख रहे हैं. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्कोरिंग पैटर्न, इनमें से कौन सा बेस्ट स्कोरिंग पैटर्न शो कर रहा है. अच्छा ठीक है, चलिए समझते हैं. यहाँ पे अगर मान लीजिए, यहाँ पे आपको रूल्स बता रहा है, रूल्स बता रहा है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रूल स्कोरिंग के लिए सबसे बेस्ट होगा. अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से पोर्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन एन नंबर ऑफ रेसिड्यूज है, हर एक पोजीशन पे रेसिड्यूज होंगे, मतलब यहाँ पे हो सकता है एलानिन हो, यहाँ पे ग्लाइसिन हो, यहाँ पे आर्जिनाइन हो, फिर से एलानिन आ जाए, वैलिन, ल्यूसिन, ऐसे करके, यानी हर एक पोजीशन पे कोई ना कोई अमाइनो एसिड हो, या फिर मान लीजिए न्यूक्लिक एसिड ही क्यों ना हो. यहाँ पे ये कह रहा है अगर मान लीजिए आप जब कंपैरिजन कर रहे हैं दो सीक्वेंसेस के बीच में, और ऐसे में अगर किसी पार्टिकुलर पोर्शन के ऊपर एग्जैक्टली मैच आ जाए तो आप क्या स्कोर दे रहे हैं, 10 पॉइंट्स का. और अगर वहां पे मान लीजिए कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लिक एसिड की बात नहीं कर रहा होगा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में तो एडेनाइन, थाइमिन, गुआनाइन, साइटोसिन ये एक दूसरे को रिप्लेस कर ही नहीं सकते, तो इनके लिए यूज होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यहाँ पे बात हो रही है सब्स्टिट्यूशन की, तो ये होगा अमाइनो एसिड के बारे में बात कर रहा होगा या प्रोटीन के बारे में. तो यहाँ पे कह रहा है कंजर्वेटिव सब्स्टिट्यूशन हो तो, यानी कि ऐसे रेसिड्यू दूसरे रेसिड्यू को रिप्लेस करें जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर हो, और उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी काफ़ी हद तक मिलती हो, जैसे कि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ये एक दूसरे को रिप्लेस करें तो हम उसके लिए तब भी एक अच्छा स्कोर डिनोट कर सकते हैं, रेदर देन कि अगर मान लीजिए वैलिन को ग्लूटामेट ने रिप्लेस कर दिया. ग्लूटामेट तो एक पोलर चार्ज्ड अमाइनो एसिड है, और अगर वो रिप्लेस कर रहा है वैलिन को, तो ऐसे में इट इज़ नॉट अ कंजर्व सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो कोई भी रैंडम आ गया है ना, कहाँ वैलिन एक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है और कहाँ ग्लूटामेट एक पोलर. ठीक है, ठीक है. और गैप को आप 0 पॉइंट दे रहे हैं, यानी अगर गैप को आप 0 पॉइंट देते हैं तो इसका मतलब कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा है, और प्रोग्राम क्या कोशिश करता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम अलाइनमेंट स्कोर जनरेट करने की. अगर आप 0 पॉइंट देंगे तो कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत सारे गैप्स को इंट्रोड्यूस कर देगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ना तो ए हो सकता है ना तो सी हो सकता है. ठीक है, अब देखिए लॉजिकली सेम, कि ये तो मैं देखिए लॉजिक के बेसिस पे हटाया, हम चाहते हैं अगर गैप इंट्रोड्यूस हो तो वहाँ पे पेनल्टी लगे, ताकि कंप्यूटर ज़्यादा गैप इंट्रोड्यूस ना करे, क्योंकि गैप इंट्रोड्यूस करने का मतलब है नेचर के अंदर इंसर्शन डिलीशन म्यूटेशन हो रहा है, और इंसर्शन डिलीशन म्यूटेशंस इतने जल्दी नहीं होते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमें अच्छे से पेनलाइज करना चाहिए. अब देखिए, अगर आप आइडेंटिकल रेसिड्यूज और कंजर्वेटिव सब्स्टिट्यूशन दोनों को अगर बराबर बराबर रखते हैं तो फिर मतलब ही क्या रह गया, है ना, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आइडेंटिकल रेसिड्यू का और कंजर्व सब्स्टिट्यूशन का, कोई मतलब नहीं हुआ. तो हम चाहेंगे कि हाँ, आइडेंटिकल रेसिड्यूज को मैक्सिमली स्कोर किया जाए, जबकि कंजर्व सब्स्टिट्यूशन को उससे थोड़ा कम. ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऑप्शन बी. आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा. ठीक है, कंजर्वेटिव सब्स्टिट्यूशन, बेटा सब्स्टिट्यूशन तो कहीं पे भी हो सकता है, छोटे से छोटे स्ट्रेच में भी हो सकता है. के लिए ग्लोबल अलाइनमेंट, देखो ग्लोबल अलाइनमेंट का मतलब होता है अगर आपके पास एक सर्टेन स्ट्रेच का अमाइनो एसिड हो, यानी प्रोटीन हो. ठीक है, अगर आप इस पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक पूरा का पूरा सीक्वेंस एक दूसरे, यानी दो सीक्वेंसेस है, आप दोनों सीक्वेंस को पूरे लेंथ में अलाइन करते हैं तो इसे कहा जाता है ग्लोबल अलाइनमेंट. और वहीं पर आपको पूरे सीक्वेंस से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ वो स्मॉल पैचेस से मतलब है जो कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन दिखा रहा है, बहुत अच्छी अलाइनमेंट स्कोर देगा, सिर्फ उसी पैचेस से मतलब है, तो इसे कहा जाता है लोकल अलाइनमेंट, वेयर यू डू नॉट डील विद द कंप्लीट स्ट्रेच ऑफ
द सिक्वेंस। ठीक है, चलो अब इसे देखिए, ये भी ये देखिए दोनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और इससे प्रीवियस वाला, दोनों डीबीटी के ही क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से नहीं लेके आया हूँ बेटा। अच्छा, जब भी हमने प्रीवियस यूट्यूब सेशंस में बात की है, हमने यही बात करी थी कि जो पी वैल्यू या ई वैल्यू होनी चाहिए किसी भी पार्टिकुलर स्कोर के लिए वो कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पी और ई वैल्यू ये बताते हैं कि ये चांस बाय चांस हुआ है, इतना स्कोर जो भी आया है वो बाय चांस आया है। अगर मैं आपसे कहूँ 100 में से मेरे 90 मार्क्स आते हैं, ठीक है, मैं आपसे ऐसा कहूँ कि मेरे 100 में से 90 मार्क्स आते हैं और इसकी पी की वैल्यू 0.5 है, इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि ये जो 90 मार्क्स हैं, ठीक है, ये हो सकता है 50% ऑफ द टाइम ये मैंने खुद से अपनी जेन्युइन मेहनत से लेके आए हैं, या फिर 50% ऑफ द टाइम मैं किसी और तरीके से लेके आया हूँ, बाय चांस मैं तुक्का लग गया, यानी मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की थी और वहीं से पूरा का पूरा पेपर आ गया, या क्या पता मैंने चीटिंग की थी। तो यानी कि कह रहा है कि चांस है, 50% चांस है। तो पी की वैल्यू और ई की वैल्यू जितनी छोटी हो उतना बढ़िया, ठीक है, उतना अच्छा। और जब ये लिखा हो इस तरीके से ई माइनस 0.5 या 0.5, इसका मतलब होता है, ई का मतलब होता है 10 to the power, ठीक है, ये हो गया 10 to the power -15, ने 4.5 into 10 to the power -15, इसका मतलब क्या हो गया, 10 to the power -15, इसका मतलब हो गया 4.5 into 10 to the power -5, और इसका मतलब हो गया 10 to the power -5, ठीक है। अच्छा, तो e की वैल्यू जितनी छोटी हो, मतलब कहाँ पे e की वैल्यू छोटी दिख रही है, मतलब ऊपर के पहले दो तो आंसर हो नहीं सकते, ठीक है, यानी आंसर तो ऊपर यानी सी या डी में से ही होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बेस्ट हिट किसे कहेंगे, जहाँ पे आपके पास ज़्यादा मोटिव्स हों, यानी अगर आपको ज़्यादा मतलब मान लीजिए आपको पहचानना है, आपको लेट्स से मेरे पास दो एविडेंस है, तो ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास दो विटनेसेस हैं और उनमें से एक विटनेस कह रहा है कि मैं हाँ उसके कपड़े देखे थे और मैंने उसके बाल देखे थे, दूसरा विटनेस कह रहा है मैंने उसके आँख नाक बाल कान सब देखे थे, तो आप किस विटनेस पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, जिस विटनेस ने ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की है। उसी तरीके से जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिव्स को ऑब्जर्व किया गया है वो ज़्यादा रिलायबल है, वो ज़्यादा बेस्टेस्ट होगा, ठीक है। 8 of 8 यानी यहाँ पे 8 में से 8 मैच कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 of 8 मैच कर रहे हैं। देन यहाँ पे देखिए पी वैल्यू क्या है, 2.2 × 10⁻¹⁸। चलिए ये तो ठीक है, यहाँ पे पी वैल्यू कितनी है, वही सेम है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम है, बस ये बात है कि मोटिव्स कहाँ पे ज़्यादा मैच कर रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी के मार्क्स आए 10 में से 8 आए, किसी के 10 में से 10 आए, कौन सा ज़्यादा बेस्ट होगा, कौन बेस्ट स्टूडेंट है जिसके 10 में से 10 आए हैं, ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ये सारी बातें अब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है, विच विल बी ऑन संडे, ठीक है, मैं संडे को भी सेशन लेके आ रहा हूँ, उस समय हम आराम से जितना समय चाहिए उतना करेंगे, सो बी प्रिपेयर्ड, वो सेशन लॉन्ग होगा, आई एम सॉरी, आज का सेशन बहुत ही शॉर्ट में हमें ख़त्म करना पड़ रहा है because of the non availability of the time, ठीक है, thank you so much everyone and I will try to include more and more of or simplify the content, ठीक है, चलिए thank you, let me know क्या improvement चाहते हैं in the comment box।